गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे। टुडे आई विल टीच न्यूक्लियस। आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन द आर्चिट रूट सेल। न्यूक्लियस को फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट ब्राउन ने आर्चिट रूट के सेल में इसको देखा था, डिस्कवर किया था। क्लियर? किसने किया था भाई न्यूक्लियस का डिस्कवरी? किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। किस सन में किया था? 1831 में। माइंड में अपने नोट कर लीजिए, ये जो है कि जनरल क्वेश्चन बन रहा है कि वाज डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट हुक तो सेल का डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन है। और कितने समय में? तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का क्या किया था? डिस्कवरी किया था। वो भी किस सन में? तो 1831 में। अब इट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है? वाली किस में? यूकैरियोटिक सेल में। इन प्रोकैरियोटिक सेल अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। किसमें रहता है? केवल यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक में ये प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है ना? करेक्ट। प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन न्यूक्लाइड व्हिच कंटेन सर्कुलर डीएनए। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल एक न्यूक्लियस के तरह मिलता जुलता स्ट्रक्चर, फॉल्स न्यूक्लियस टाइप का स्ट्रक्चर कंटेन करता है, जिसको हम न्यूक्लाइड बोलते हैं, जिसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है। मीन्स प्रोकैरियोटिक में ओरिजिनल न्यूक्लियस नहीं रहता है, न्यूक्लियस की तरह जो है कि स्ट्रक्चर वाला एक फाल्स स्ट्रक्चर होता है, जिसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं हम, और उसमें सर्कुलर डीएनए होता है। क्लियर है? अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, किसका स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होता है भाई। तो न्यूक्लियस इज एक्चुअली स्फेरिकल और ओवल इन शेप। न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का या ओवल शेप का होता है, मीन्स गोलाकार या अंडे की तरह होता है। स्फेरिकल या ओवल मीन्स गोलाकार या अंडे की तरह। इट ऑक्युपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन द सेल। यह सेल के बीच में सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट रहता है। ऑक्युपाई करता है कैसा? तो सेंट्रल पोजीशन, सेल के सेंट्रल पोजीशन को ये घेर लेता है, उसी में प्रेजेंट रहता है, सेंटर में। इट इज सराउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन। किससे घिरा होता है? तो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसके बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इट सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। यह मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को क्या करती है? सेपरेट करती है, अलग करती है। इसी मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से क्या रहता है? सेपरेट रहता है। सेवरल टीनी पोर्स नोन एज न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इनवेलप। जो न्यूक्लियस को कवर किया रहता है, इनवेलप होता है उसको कवर करने वाला बाउंड्री, उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर। सेवरल पोर नोन एज न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस को कवर करने वाले इन्वेलप में छोटे छोटे पोर होते हैं। न्यूक्लियर पोर ट्रांसपोर्ट द मटेरियल बिटवीन एंड साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस के कवरिंग में जो पोर होते हैं, जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, वह न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मटेरियल का एक्सचेंज करता है। तो मटेरियल जो है कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में किससे जो है कि जाते हैं? तो उसी न्यूक्लियर पोर जो छिद्र होता है उसके द्वारा जाते हैं। न्यूक्लियस कंटेन डेंस फ्लूइड नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस मीन्स गाढ़ा लिक्विड होता है, फ्लूड होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसी में जो है कि वो भरा रहता है। तो न्यूक्लियस में क्या भरा रहता है? एक गाढ़ा पदार्थ लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसका कह रहा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन टू स्ट्रक्चर्स। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है मींस ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर बताए हैं कि न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, बाउंड्री होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन की होती है, लेकिन दोहरा लाइन आउटर एंड इनर, ये होती है न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। इसमें कहीं कहीं पर पोर होते हैं, देखिए ये इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, और इसी से मटेरियल अंदर न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म में जाते हैं। ये इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो डेंस मटेरियल फिलअप होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन टू स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। तो यह न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कौन कौन से मटेरियल कंटेन करता है? न्यूक्लियोलस एंड कौन सा? ये क्रोमेटिन थ्रेड। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन टू मटेरियल कौन कौन से? न्यूक्लियो क्रोमेटिन थ्रेड एंड न्यूक्लियोलस, ये छोटा स्ट्रक्चर कंटेन करता है और थ्रेड लेके न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके आगे हम देखते हैं कि क्रोमेटिन थ्रेड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं। और क्रोमेटिन थ्रेड क्या क्या कंटेन करता है? तो क्रोमेटिन मटेरियल इज मास ऑफ थ्रेड लाइक मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? तो थ्रेड लाइक मटेरियल है, धागे की तरह, इनसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। यह धागे की तरह स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है कि क्रोमेटिन थ्रेड होता है। ठीक है ना। जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है ना। न्यूक्लियस विच इज मेड, यह धागा, यह थ्रेड बना होता है किसी से? तो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ये टू टाइप के मटेरियल से बना होता है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। डीएनए इज स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब माइंड में आता है कि ये सर जो है कि जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो बना है किस किस से भाई? तो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। माइंड में जो है कि जार करने वाली चीज़ है मेरे माई डियर स्टूडेंट, गौर कीजिए। कह रहा है कि जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये किस किस से बना होता है? तो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। गौर कीजिए, डीएनए का पूरा नाम होता है डियाक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक। तो वह जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाए हैं, जिसको हम क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं, वो किस से बना होता है? डीएनए डियाक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड से। और दूसरा मटेरियल क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन, ये एक तरह का केमिकल है हिस्टोन प्रोटीन। तो हमारा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है ना, वो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से फॉर्म होता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि डीएनए क्या है? डीएनए इज स्टोर हाउस, यह एक तरह का स्टोर हाउस, इसमें स्टोर रहता है। तो क्या स्टोर रहता है भाई? तो डीएनए इज स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो डीएनए में स्टोर रहता है क्या चीज? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन ये है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है भाई? तो जो भी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो भी करेक्टर मिलते हैं, जैसे आपकी आपके अंदर जो करेक्टर माता पिता से आए हैं, उस करेक्टर को जेनेटिकल करेक्टर बोलते हैं। और वह करेक्टर किस में रहता है भाई? तो जेनेटिक मटीरियल में रहता है। और किस में होता है? डीएनए में। तो मतलब कि डीएनए ही जेनेटिक पेरेंट के करेक्टर को स्टोर रखता है, और उसी के द्वारा वह करेक्टर डीएनए के द्वारा पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में माता पिता से बच्चों में आता है। तो किसके द्वारा आता है? तो डीएनए के द्वारा। मतलब डीएनए ही माता पिता के गुण को स्टोर करके रखता है, और जब
ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है तो वो डीएनए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, चला जाता है। तो डीएनए क्या है भाई, स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक कैरेक्टर। इट हेल्प अ सेल टू कैरी आउट इट्स मेटाबॉलिक फंक्शन, और इसमें सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको कैरी करने का, ढूंढने का जो है कि कैपेसिटी होती है, हेल्प करता है डीएनए जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको ढोने में हेल्प करता है, ठीक है। और डीएनए क्या है भाई, तो स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो भी माता पिता से करेक्टर उसके पेरेंट्स के करेक्टर आप स्प्रिंग में जाते हैं तो किस में स्टोर रहते हैं, डीएनए में। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब इसी ऑर्डर में हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ हमारे सामने है, कह रहा है कि इसमें डीएनए में कह रहा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लिकेशन ऑफ सेल, डीएनए सेल को रिप्लिकेट करने में भी हेल्प करता है, उसके रिस्पॉन्सिबल होती है सेल एंड पासिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेल, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है कि नेक्स्ट जनरेशन में ले जाता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्लिकेशन ऑफ सेल, सेल को रिप्लिकेट करने में, एंड पासिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सेल, सेल को नेक्स्ट जनरेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ले जाता है। अब आते हैं न्यूक्लियोलस क्या है भाई, तो द न्यूक्लियोलस इज स्फेरिकल इन शेप एंड इज वन आर मोर इन नंबर, ठीक है ना। न्यूक्लियोलस स्फेरिकल शेप का होता है, देखिए हम लोग गौर करते हैं, ये जो स्फेरिकल शेप का यही न्यूक्लियोलस है, और एक न्यूक्लियस के अंदर इसके नंबर न्यूक्लियोलस का मोर देन वन होता है, 2, 3, 4 भी हो सकता है। तो ये न्यूक्लियस है पूरा और इसके अंदर ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इसके नंबर न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस के नंबर मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, गौर करने की बात है कि द न्यूक्लियोलस इज द स्फेरिकल इन शेप एंड इज वन आर मोर इन नंबर, नंबर में एक एक से अधिक होता है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, कहाँ पर रहता है, तभी दिखाए हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, कहाँ रहता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब प्रोटीन का जब सिंथेसिस होता है सेल के अंदर तो किसके द्वारा होता है भाई, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस में होता है। इट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस में ये टेक पार्ट करता है। इट कंटेन्स आरएनए, न्यूक्लियोलस आरएनए कंटेन करता है एंड प्रोटीन, और एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन भी कंटेन करता है। न्यूक्लियोलस क्या कंटेन करता है भाई, तो कंटेन आरएनए, आरएनए कंटेन करता है एंड प्रोटीन, प्रोटीन दैट सर्व एज द साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस, और राइबोसोम का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में ही होता है। तो इट कंटेन आरएनए मॉलिक्यूल्स, तो क्या कंटेन करता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स करता है कंटेन न्यूक्लियोलस, एंड प्रोटीन, प्रोटीन भी रखता है भाई। तो न्यूक्लियोलस क्या क्या कंटेन करता है, गौर करने की बात है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस क्या क्या कंटेन करता है, तो आरएनए एंड प्रोटीन, ये दो चीज़ कंटेन करता है, क्या क्या, आरएनए एंड प्रोटीन दैट सर्व द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, और इसी पर, इस आरएनए पर ही राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, इसीलिए न्यूक्लियोलस को, न्यूक्लियस को नहीं, जो न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, उसको राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं, क्यों भाई, बिकॉज राइबोसोम इज सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, सो
न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका क्रोमोसोम। ये वर्ड जो है कि देखिए गौर कीजिए इसको और सावधानी से सुनना है। क्रोमोसोम्स क्या है और ये कहाँ से सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है? तो सेल के अंदर नहीं, हम न्यूक्लियस के अंदर ही है क्रोमोसोम। अभी तो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े हैं न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन थ्रेड। ये क्रोमोसोम कहाँ से आ गए? तो क्रोमोसोम कहीं से आते नहीं, वही जो क्रोमेटिन थ्रेड है, ठीक है ना, जो धागे की तरह हम लोग देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये धागे वाला, यही थ्रेड ही सेल डिवीजन के समय टूट जाता है। ये नेट क्या होता है? टूट जाता है और टूट करके कंडेंस होकर के और ठीक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? वही जो थ्रेड दिखाए हैं आप लोगों को, वह थ्रेड क्या होता है? तो सेल डिवीजन के समय वह थ्रेड टूट करके नेट जो है कि टूट जाती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है कि कंडेंस होकर के छोटे छोटे मोटे मोटे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम, उसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम आता कहाँ से भाई? तो जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन थ्रेड है, वही जो है कि सेल डिवीजन के समय क्या होता है? ब्रेक हो जाता है वही थ्रेड, और वही थ्रेड जो है कि सिकुड़ करके कंडेंस होकर के छोटे छोटे मोटे मोटे स्ट्रक्चर में क्या होता है? चेंज हो जाता है, और उसी को कहते हैं क्रोमोसोम। तो वही कह रहा है कि व्हेन अ सेल स्टार्ट डिवीजन, जब सेल डिवाइड होने की कंडीशन होती है, द टैंग्ड मास ऑफ क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन के फंसा हुआ जाल की तरह, टैंग्ड मीन्स जाल होती है, कंडेंस टूट कर क्या हो जाती है? कंडेंस इंटू लॉन्ग थ्रेड। वह नेट, वह जाल, क्रोमेटिन थ्रेड टूट करके लॉन्ग थ्रेड में कन्वर्ट हो जाती है एंड फाइनली फॉर्म और रड लाइक स्ट्रक्चर, और वह थ्रेड सिकुड़ करके मोटे मोटे रड की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम। तो बच्चों समझ में आया ये क्रोमोसोम कहाँ से आ गया? तो जो क्रोमेटिन थ्रेड है वही सेल डिवीजन के समय में क्या होता है? टूट जाता है, टूट करके धागे की तरह चेंज हो जाता है और फाइनली फॉर्म रड लाइक स्ट्रक्चर, और अंत में वह छोटे छोटे मोटे मोटे रड की तरह, छड़ की तरह स्ट्रक्चर में बदल जाता है, अब उसी को बोलते हैं हम क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम समझ में आ गया। अब क्रोमोसोम कंपोज ऑफ टू कंपोनेंट, डीएनए एंड प्रोटीन। वह जो क्रोमोसोम है वो किस चीज़ से बना होता है भाई? तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से फॉर्म होता है। कहाँ से क्रोमोसोम आया? तो क्रोमेटिन थ्रेड ही सेल डिवीजन के समय में ब्रेक होकर के कंडेंस हो गया और छोटे छोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाए, उसको हम क्रोमोसोम बोले। और उस क्रोमोसोम में क्या क्या होता है हमें ये जानना है। तो उस क्रोमोसोम में डीएनए होता है और प्रोटीन होता है और कुछ नहीं होता है। गौर करने की बात है, क्रोमोसोम में क्या होता है भाई? तो क्रोमोसोम में आपका होता है डीएनए एंड प्रोटीन। क्लियर? कह रहा है कि डीएनए कंटेन जीन्स। अब देखिए ये नई चीज़ जो है कि सामने आ गया, डीएनए में क्या रहते हैं? जीन्स। क्या है ये भाई? तो ये स्पेशल टाइप का एक प्रोटीन होता है। जीन्स क्या होता है? डीएनए में क्या रहता है? जीन्स रहता है। ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो कि ऑर्गेनिज्म में करेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होता है। किसके लिए? करेक्टर के लिए। अब करेक्टर क्या है? कलर, बॉडी का कलर, आई का ब्राउन या ब्लू, हेयर का स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये सब करेक्टर हैं। तो इसी को ये डीएनए पर रहते हैं और जिसको हम जीन बोलते हैं, करेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। तो डीएनए कंटेन जीन, तो जीन क्या है? करेक्टर है, एक तरह का स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो कि करेक्टर के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। और रहता कहाँ है? तो डीएनए में। जीन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अब डीएनए का छोटा सा छोटा फंक्शनल यूनिट क्या होता है? जीन होता है। डीएनए का छोटा सा फंक्शनल यूनिट क्या होता है? जीन होता है। जीन क्या होता है? तो स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो करेक्टर के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है।
and are possessed from one generation to next generation. Means जीन ही DNA के द्वारा एक generation से दूसरे generation में जाता है. Means parents से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है. कौन? जीन. मीन्स करेक्टर जो भी पेरेंट्स से ऑफ में जाते हैं तो किसके थ्रू जाते हैं? डीएनए के थ्रू. और उसके लिए करेक्टर कौन जिम्मेदार है? जीन, जो कि डीएनए पर होता है. तो वही माता पिता के करेक्टर को ढोता है कौन? जीन. और ले जा करके उसके बच्चों में पहुंचाता है. तो जीन होता है, तो डीएनए कंटेन जीन. जीन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए एंड आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है. सो जीन इज कॉल्ड हेरिडिटरी यूनिट एंड डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल. तो इसलिए जीन को क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी यूनिट कहते हैं. ठीक है, छोटे फॉर्म में जो करेक्टर जाता है उसको यूनिट कहते हैं. और यह जीन जो है कि बहुत सारे करेक्टर कंटेंट करके डीएनए में रहता है, इसलिए डीएनए को क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे रहते हैं. और एक जीन को क्या कहते हैं? हेरिडिटरी यूनिट. तो जीन इज हेरिडिटरी यूनिट वाइल डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल. दैट्स ऑल. इस नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्रोमोसोम के बारे में विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक्स.